हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, अगर वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं या कहते नहीं हैं, तो देखते हैं उनके दिल की बात, जानते हैं उनके दिल की बात कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। Get to know each other, reaching conclusions, new door opening, proposing, और ये है romantic feelings, great, and bottom deck है attraction, wow, so काफ़ी ज़्यादा ना एक matching energy निकल के आती है, तभी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि universe literally बहुत ज़्यादा great है। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई नई उम्मीद ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि उनके सामने कोई उम्मीद नज़र आई हो या आ सकती है, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर प्रपोज़ नहीं किया है या फिर कोई नया प्रपोज़ल लेके, नो कमिटमेंट का हो या फिर साथ में रहने का हो या फिर जैसे एक लेवल अप की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रीचिंग कंक्लूजन्स, ये मतलब अभी किसी नतीजे पे पहुँच रहा, क्यों मैं अपने आप से भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार तो फील होता है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्या ये सही रहेगा, क्योंकि कुछ तो है जो प्यार है, जो इमोशंस है वो उस तरफ खींचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है, दुनियादारी भी है, लेकिन इनकी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक पोल इतना हो रहा है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि आपके पास आना है, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको डिसीजन देना पड़ेगा, आपको एक कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा, लेंगे, क्योंकि जिस तरह से फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि बस होगा ज़रूर, बोली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई एम रियली हैप्पी, मतलब ये जो रीडिंग है पता नहीं क्यों, मतलब बहुत खुशी हुई ये जो कार्ड्स देख के। वो एक एनर्जी होती है ना जो बताती है कि ज़्यादा एक खुशी की एनर्जी, जैसे कभी एनर्जी एकदम सैड होती है तो कभी एकदम खुश होती है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। एंड अगेन जब फुल मून आते हैं तो उसके असर पहले से ही दिखने लगते हैं। आई कैप द टेक्स्ट, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टेक्स्ट या आपने जो मैसेजेस सेंड किए थे, भेजे थे, तो क्या वो डिलीट हो चुके हैं, क्या आपकी फीलिंग्स अभी मायने नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिखाते कुछ भी हो, आपको बताए कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने अभी तक वो चीज़ें संभाल के रखी है। लेट मी परसी यू, तो अभी मेहनत करने की बारी इनकी है, ये इनको रियलाइज हुआ है। दे आर रीचिंग कंक्लूजन्स कि अभी मुझे मनाना पड़ेगा, मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, मुझे इनके पीछे जाना तो पड़ेगा ही। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई एम डिज़ायरिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डिज़ायर है आपके लिए आज इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आप ही के लिए। आई स्टॉक यू, नज़र पूरी तरह आपके ऊपर है, पूरी तरह से। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, डर है आपकी तरफ आने का, क्यों, क्लैरिटी नहीं है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कितनी चीज़ें बदल गई हैं, कितनी देर हो चुकी है, कितना डिसीजन में डिले हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आना तो चाहते हैं इंसान, बट थोड़ा डर रहे हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, आज के रीडिंग में ना अट्रैक्शन या ऑब्सेशन या थीम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम की एनर्जी कुछ भी हो, मुझे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, इनको अपनी गलती का एहसास है,
इन्हें ने आपसे दूर होके आपके साथ रिश्ता तोड़ के धोखा दे के या सप्रेशन कर दें। जो भी अपने अपने रीज़न है, बहुत गलती की है, उसका उस गलती का एहसास उन्हें हो रहा है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। उनको ना जैसे कॉन्फिडेंस है, ये ही आपके लिए नहीं तड़प रहे हैं, आप भी उनके लिए तड़प रहे हो। आई बिन ड्रीमिंग ऑफ यू। सो आप ही के सपने देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि कल रात आपको उन्होंने सपने में देखा हो, या फिर कुछ इमेजिनेशन की एनर्जी भी हो सकती है। आई डू टॉक अबाउट यू, बातें होती हैं आपके बारे में, बकायदा बातें होती है। आप हो उनके आसपास की एनर्जी, आपके बारे में बात होती है। आपको विश्वास ना हो, आपको पता नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। अभी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को वो डीपली समझ पा रहे, क्यों कैसे पता नहीं क्या है, बट देर इज़ समथिंग डिफरेंट, एक अलग ही एहसास है, कनेक्टेड है, ये चीज़ें वो फील करने लगे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।